स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। तरमीमी शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से ये खत में लिखा गया है। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमीशन को खत। खत के मतन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशस्तें अलाट की जाएं। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आइन की रोशनी में मखसूस नशस्तों का फैसला जारी किया है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। ज़िला इंतजामिया लाहौर आज शाम तक पीटीआई जलसे की इजाज़त पर फैसला करे। लाहौर हाईकोर्ट का डेप्यूटी कमिश्नर को हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करे। जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त भी नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद। सरकारी वकील ने जलसे से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में फुल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। IG पंजाब समेत दीगर मुतालिका अफसरान लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। आपको इस हवाले से बताया जा रहा है, जिला इंतजामिया लाहौर आज शाम तक पीटीआई जलसे की इजाजत पर फैसला करे।